तीसरे चरण का मतदान संभल लोकसभा सीट पर हुआ, लेकिन माहौल इतना गर्म रहा कि पुलिस प्रशासन पर इस तरह के तमाम आरोप लगे कि पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम मतदाताओं को बूथ तक जाने से रोका और हर मुमकिन कोशिश पुलिस के जरिए की गई कि मतदाता बूथ तक न जा सकें। दरअसल कुछ दिन पहले एक वीडियो भाजपा के ही नेता का मंत्री का वायरल हुआ था, जिसमें वो रणनीति बता रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा सके और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए कि मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम औरतें घरों से ही ना निकलें और कह दें कि वहां माहौल खराब है, हम वोट डालने नहीं जा रहे, इससे वोट परसेंटेज कम हो जाएगा। ये वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको आज जो कुछ वहां हुआ, संभल में 7 तारीख को जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन वहां क्या कुछ हुआ है, पूरे दिन किस तरह का माहौल वहां बना रहा, आज कुछ तस्वीरें आपको ऐसी दिखानी हैं। दरअसल संभल से सपा के सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते जियाउर रहमान बर्क वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां किस तरह से माहौल खराब हुआ, जियाउर रहमान बर्क जो कि वहां मौजूदा विधायक भी हैं, उनके साथ किस तरह पुलिस ने बदसलूकी की और उनको खींचकर गाड़ी में डालने की कोशिश की, उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी हिरासत में लेने की कोशिश की गई, पुलिस के जरिए गाड़ी में बिठाया गया और वहां पूरी तरह से माहौल अफरा तफरी का बना दिया गया। जियाउर रहमान बर्क का लगातार यही आरोप था कि वहां वोटिंग नहीं की जा रही है, वोट परसेंटेज घटाया जा रहा है, मुसलमानों को वोटिंग करने नहीं दी जा रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरह जियाउर रहमान बर्क और उनके साथियों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है और बदसलूकी की है, वो तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखा आपने किस तरह खींच कर ले जाया जा रहा है और घसीट कर ले जाया जा रहा है पुलिस के जरिए। पुलिस पर बहुत सारे आरोप हैं कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है, पर्ची छीनी जा रही है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब उन महिलाओं का क्या कहना है जिन्होंने ये वीडियो जारी किया और बताया कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, वो सुनिए जरा आप एक बार। इनके भैया मासूम का इन पर पर्दा का खाक पूजा करें। इसके अलावा बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको चौंका देंगी। एक बुजुर्ग हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं और उनके साथी जो वहां मौजूद हैं, उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, वोट नहीं डालने दिया है। ये भी तस्वीरें एक बार देखिए। अब इस पूरे मामले पर जियाउर रहमान बर्क ने एक वीडियो बाइट जारी किया है, वो आपको सुनाना चाहता हूं और इसके फौरन बाद आपको दिखाऊंगा कि भाजपा के उस नेता ने क्या कुछ कहा था, क्या वही सब बातें सच हो रही हैं जो भाजपा के एक नेता के जरिए कुछ दिन पहले वीडियो जारी हुआ था, उनका एक स्टिंग हो गया था और उसमें वो सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह मुसलमानों का वोट परसेंटेज कम होगा, क्या आज जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ उसी तरफ इशारा करता है, क्या वो सब कुछ प्रीप्लान था कि कैसे मुसलमानों को रोका जाए और कैसे वोट न डालने दिया जाए, पोलिंग बूथ तक ना पहुंचने दिया जाए, ये सारी चीजें किस तरफ इशारा है वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जियाउर रहमान बर्क का ये वीडियो सुनिए। आयोग ने अधिकार दिया है जिन लोगों की पर्ची नहीं कट पाई है वो वहां पे रह करके पर्ची बना है, लेकिन उनकी बच्चों को छीन करके खींच करके और उनको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो बीएलओ है, अब बीएलओ की मेरे पास वीडियो भी आएगी, वो भी आपको मुहैया करा दूंगा। जो सरकारी बीएलओ है उनके भी बस्ते छीन लिए गए। सरकारी बीएलओ के बस्ते छीनने का क्या मतलब बनता है कि जिससे कि मतदान नहीं हो। चुनाव आयोग चाहता है लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर, अरबों रुपए खर्च करके परसेंटेज बढ़ा रहा है और ये जो है परसेंटेज
कम नहीं खत्म करने का काम कर रहे हैं यहाँ का पुलिस प्रशासन। सरकारी अधिकारी जो बीएलओ है उनके बस्ते छीन लिए गए, उनकी वीडियो अगर आप कहो ये लड़के हैं, देखिए इनके आधार कार्ड छीन लिए गए। तो सुना आपने जियाउर रहमान बर्फ क्या कह रहे हैं। अब आपको सुनाता हूं कि भाजपा के उस नेता का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें क्या कुछ कहा गया था। पहले वीडियो सुनिए, फिर आखिर में आपको बताते हैं कि इसका मकसद क्या है। उनसे एक दिन पहले मिलना है। अच्छा अच्छा, एक दिन पहले मिलना है जो पटाखे अधिकारी और जो भी यहाँ पे बैठते हैं। एक दिन पहले मिलके क्या होगा? हाँ, उनसे आप एक दिन पहले उन्हें खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था कराए, मच्छर द्वारा उनके शक्ल दिखा दें। अच्छा, ये हमारे आदमी है, ये हमारे आदमी है, ये एजेंट बनकर कल आएंगे आपके पास, ठीक। और आपके खाने की व्यवस्था जी है, ठहरने की व्यवस्था जी है। एक बार अब कॉन्टेक्ट हो गया उनका आपस में, और जो भी देना लेना हो उनसे कर लें, ऐसा यहाँ फूके हैं, ठीक है, है ना। अब सुबह पहुंच गए, आप सुबह पहुंच गए, एजेंट पहुंच गए वो। अब एजेंट का काम क्या है? उसकी जेब में पैसे होने चाहिए चैलेंज करने के लिए। उसका काम जैसे भीड़ लग जाए, एक दो को चैलेंज करे, धुन मचाए, सही है। चलो साहब, मैं ऐसे ऐसे मेरा जा रहा चंदो जी तारीख पे, तो वो उठा के ले आओ, मैं आपके संग लौटते पे आया हूँ। फिर उसकी चैलेंज करने के लिए पैसे होने चाहिए, ये खुले हुए फर्जी चैलेंज कराएगा। आइए सर, फर्जी चैलेंज से ये फायदा होगा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, फर्जी चैलेंज से ये फायदा होगा कि वहाँ पे भीड़ को हमें रोकना है, पोलिंग हल्की करानी है। पोलिंग हल्की ऐसे होती है, जब वहाँ भीड़ लगेगी धड़ा होगा तो औरतें वापस आ जाती है। अरे सुन, सुनो बात, सुनो बात, सुनो आप थोड़ा हाँ, आप कहीं दूर मचाना है, झगड़ा करना है, इतना ध्यान रखना की गोली मारो, तमंचा मारो, झगड़ा करो, हाथ भैंस खेते ना, केवल नौटंकी नौटंकी से होगा, वहाँ पर नेक फांकल मचेगी तो औरतें आनी हो जाएंगी बंद। यार यहाँ लफड़ा है, एक घंटा में फट जाएगा, भाई जी लफड़ा है, अब ना जा रहे भाई, खाता मना कर रही है, सही है, एक वो परसेंटेज कम हो जाती है। मैं एंड बनता हूँ, मेरी आप बता रहे हैं आपके लिए। और कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी भी होती है, वो भी एक दिन पहले आपको सबको मिलना पड़ेगा, वे भी 100-200 रुपए। इस वीडियो में साफ तौर पर कहा गया कि किस तरह मुसलमानों का वोट परसेंटेज घटाना है, किस तरह महिलाएं पोलिंग बूथ तक न पहुंचे इसलिए अफरा तफरी का माहौल बनाना है, किस तरह अधिकारियों को मैनेज करना है, एक दिन पहले उनके रुकने खाने ठहरने का इंतजाम करना है, और सब कुछ किस तरह से होगा उसकी पूरी प्लानिंग, जिसके बाद भाजपा के इस नेता को 2 लाख रुपए का मुचलका भरना पड़ा और SDM कोर्ट में इनको पेश किया गया और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो कुछ संभल में हुआ वो सब कुछ इसी प्लान के तहत था? आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और हमें यह भी बताइएगा कि मुसलमानों के वोट परसेंटेज को घटाने की कोशिश क्यों की जाती है? क्या लोकतांत्रिक अधिकार मुसलमानों का वोट डालना नहीं है, और क्या भाजपा सरकार इस वोट डालने से इतना डर रही है कि अगर मुसलमान एक तरफा होकर वोट डाल देगा तो BJP को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये सारी रणनीतियां तैयार हो रही हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।